हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स 4 में थानोस की पहली अपेयरेंस के बारे में और इन्फिनिटी वार और एवेंजर्स 4 के बीच में कुछ सालों का अंतर होने वाला है। तो इस बीच हमारे एवेंजर्स क्या करेंगे और वो किस तरह से एवेंजर्स 4 में सारे स्टोन्स को हासिल करेंगे। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो थानोस ने जो चाहा वो हो गया, आधी पॉपुलेशन खत्म हुई, अब सबको बराबर सोर्सेज मिलेंगे। पर इसमें कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ हमारे एवेंजर्स का भी और थानोस का भी। थानोस को कामयाबी तो मिली पर एंडिंग में वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं था और कहीं ना कहीं उसे इस बात का अफसोस ज़रूर था। उसने अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए अपनी ही बेटी को सेक्रीफाई कर दिया। अब इतना कुछ करने के बाद में वो फिर से आधी पॉपुलेशन को जिंदा तो कभी नहीं करेगा और एक सुकून की ज़िंदगी जिएगा। और हमारे एवेंजर्स को इस बात का अफसोस तो है कि वो दुनिया को बचा नहीं पाए, पर वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है कि इसी बीच हमारे टोनी स्टार्क और नेबुला अर्थ पर आएंगे। अर्थ पर आने के बाद में वो कैप्टन अमेरिका से ही मिलेंगे। कैप्टन और टोनी के मीटअप के बाद में उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाएगी और उसके बाद में कैप्टन और उनकी टीम शील्ड को ज्वाइन कर लेंगे। जैसा कि हमें हाल ही में हुए एक एवेंजर्स 4 की कॉन्सेप्ट आर्ट से ये पता चला है कि एवेंजर्स 4 में हमारे कैप्टन अमेरिका अब नॉमेड नहीं रहेंगे, वो वापस शील्ड को ज्वाइन कर लेंगे। इसी बीच हमारे टोनी स्टार्क अपने लिए एक नया आर्मर बनाएंगे जो कि होने वाला है मॉडल प्राइम आर्मर, और साथ ही वो एक मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करेंगे जो कि हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखने वाली है। और कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन मूवी का एक प्लॉट लीक हुआ था और उस लीक के अकॉर्डिंग टोनी की एवेंजर्स 4 में डेथ होने के बाद में वो टेक्नोलॉजी मिस्टीरियो के हाथ लग जाएगी, यानी कि वो उसे चुरा लेगा। मिस्टीरियो स्पाइडरमैन का विलन होने वाला है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में और हमारा पीटर पार्कर उसे वापस लाएगा। लेकिन हमारे एवेंजर्स जो कि शांत बैठे हैं, उन्हें एक उम्मीद की किरण तब दिखेगी जब हमारा एंटमैन उन्हें वो टेक्नोलॉजी बताएगा जो कि उन्हें क्वांटम रियल्म के थ्रू एक अलग डायमेंशन में लेके जा सकती हैं और जहां से वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और माना ये जा रहा है कि जैसे जैसे हमारे एवेंजर्स सभी स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे, वैसे वैसे थानोस की गॉन्टलेट से वो स्टोन्स गायब होते जाएंगे। और उसी वक्त थानोस ये बात समझ जाएगा और वो तुरंत पहला स्टोन्स गायब होते ही कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा और उसका ध्यान उन्हीं सुपर हीरोज पर जाएगा जिन्होंने मिलकर उसे इन्फिनिटी वार में रोकने की कोशिश की थी, और इस तरह से वो उन्हें रोकने के लिए अर्थ पर आएगा। लेकिन अर्थ पर आने के बाद में उसे पता चलेगा कि कुछ सुपर हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए पास्ट में गए हैं और शायद एक अलग डायमेंशन में। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि एवेंजर्स 4 में डायमेंशनल ट्रैवलिंग नहीं होगी और सीधा सीधा टाइम ट्रैवल ही होगा, क्योंकि अगर हमारे हीरोज किसी और डायमेंशन से सारे स्टोन्स कलेक्ट करेंगे तो इस तरह से तो एवेंजर्स 4 में टोटल 12 इन्फिनिटी स्टोन्स हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। खैर, इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो जब हमारा थानोस टाइम स्टोन का यूज़ करके पास्ट में जाएगा जहां पर वो हमारे एवेंजर्स को सारे स्टोन्स कलेक्ट करने से रोकेगा, तो हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क वाली बैटल ही हो जहां पर हमारे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन लेने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा थानोस की पहली बड़ी एंट्री होगी न्यूयॉर्क वाली बैटल में, एंड वहां पर हमारे कैप्टन अमेरिका या फिर हमारा टोनी स्टार्क में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। हाँ, कहा तो यही जा रहे हैं पर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो न्यूयॉर्क वाली बैटल में किसी एक की डेथ होने के बाद में हमारे हीरोज दोनों स्टोन्स लेने के बाद में वापस प्रेजेंट में आ जाएंगे और वहां पर थानोस बुरी तरह से हार जाएगा। उसके बाद में थानोस फाइनल एंट्री करेगा वकांडा के बैटल में, जहां पर वो अपनी आर्मी के साथ में एंट्री करेगा। सो गाइज, ये डिटेल मैंने आपको एवेंजर्स 4 की कुछ लीक से और कुछ थ्योरीज से बताई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिलते रहेंगे मार्वल के और इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।